तो बच्चों आज हम बात करेंगे कैलकुलस में और सारी चीज़ों में ग्राफ का यूज प्रॉब्लम करते समय है किस तरह करते हैं। तो आज की लेक्चर को ज़रा ध्यान से देखेंगे सब लोग। पहले मैं कुछ अलग से बात करूँगा कुछ प्रॉब्लम लेके। उसके बाद फिर हम आईटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ इनइक्वालिटी लेता हूँ और किस तरह यूज करेंगे उसका, इसको आपको समझना। जैसे मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ए कोई क्वांटिटी है और ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन जीरो है और कोई रियल नंबर है पॉजिटिव, और इसको हमें सॉल्व करना है या मॉड एक्स लेस देन ए सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, एक फलन को हम वाई वन मान लेंगे और एक को वाई टू, इसी तरह। और हम वाई वन वाई टू किसी भी तरह अरेंज करके ट्रांसफर करके इन्हें मान सकते हैं। फिर ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा वाई वन इज ग्रेटर देन वाई टू की, यानी ऐसे एक्स देखेंगे हमें एक्स चाहिए जिसके लिए वाई वन वाई टू से बड़ा हो। तो मॉड एक्स अगर आप हम बना लेंगे, ये आपका मॉड एक्स हो गया, और वाई टू इक्वल टू, ये वाई वन इक्वल टू मॉड एक्स, वाई टू इक्वल टू ए, जैसे वाई इक्वल टू फाइव हो तो इस तरह बनेगा ए डिस्टेंस पे। तो अगर हमें ये वाला सॉल्यूशन चाहिए ग्रेटर देन ए वाला, तो वो एक्स चाहिए जिसके लिए मॉड एक्स बड़ा होगा, तो मॉड एक्स ए से बड़ा होगा यहाँ पे। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन हमें x लिखने होते हैं तो x आएंगे ये, तो ये होगा आपका माइनस है, ये होगा प्लस है। तो इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए और यूनियन a टू इन्फिनिटी, इस तरह होगा। अगर लेस देन ए होता तो यहीं पे हो जाता माइनस ए से ए, लेस देन में आपका ये सॉल्यूशन आता। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम आप उसी तरह इसको हमेशा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है, 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन 11, ये प्रॉब्लम है। तो बस अब 2x माइनस थ्री बनाएंगे मॉड में, एक ये y1 मानेंगे, ये y2, 2x माइनस थ्री में 3 बाई टू इसका सीस होगा, तो इस तरह बनेगा ये 3 बाई टू कॉमा जीरो सीस। तो y2 इक्वल टू 11, ये ऊपर से होगा ऐसे, ये क्योंकि ये पॉइंट 11 से छोटा है, ये आपका होगा 0.3, 11 ऊपर से जाएगा। हमें जिसके लिए ये y1 बड़ा हो 11 से, तो y1 बड़ा है 11 से यहाँ और यहाँ, ये x हमें ये x फाइंड करके सॉल्यूशन में ये x आएंगे और इधर से परपेंडिकुलर अप कर देंगे ये x आएंगे, क्योंकि यहीं पे बड़ा है ये 2x माइनस थ्री का मॉड, या y1 बड़ा है y2 से, ऐसा कह सकते हैं। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए 2x माइनस थ्री को 11 के इक्वल करिए एक बार माइनस 11 के, तो एक x आएगा 7 और एक x आएगा माइनस 4। इसको हल कर लेंगे प्लस माइनस करके। तो इस तरह हम किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो हम केस बनाने से बच जाएंगे और बहुत इजीली प्रॉब्लम को कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो डोमेन अपने आप वहाँ पर बैलेंस हो जाएगी, तो आपको लगाना है। तो एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ जिसमें काफ़ी सारे केस आपको बनाने होते हैं, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है ये। तो अब हम यहाँ पे इसका पूरे का ग्राफ भी बना सकते हैं और इसको यहाँ पे ले आके अलग अलग भी बात कर सकते हैं। तो उसके पहले हम बात करना चाहेंगे इस तरह के फलन के ग्राफ की, x माइनस ए का मॉड प्लस x माइनस बी का मॉड। इस तरह का कोई भी ग्राफ हो तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट दो मिलेंगे, a और b, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल के इस तरह का कोई भी फंक्शन हो, इसका ग्राफ हमेशा बोर्ड की तरह आता है, जैसे ना होती तो ए और बी पर हम ये हमेशा कांस्टेंट देता है और बी के आगे ऐसे रहेगा और ये एक बार जुड़ेगा, एक बार घटेगा और एक बार कांस्टेंट रहेगा, तीन केस बनते हैं। और जैसे मान लीजिए हमें बनाना हो x माइनस वन का मॉड प्लस x माइनस टू का मॉड, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट दो हैं, वन और टू। नंबर लाइन पर एक्स एक्स पे वन और टू बना लेंगे, वन और टू के बीच में कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू इनकी डिफरेंस की इक्वल होगी, और दो से आगे के लिए धन में रहेंगे और दो से एक से कम के लिए दोनों निगेटिव रहेंगे। ये लाइन भी अगर हमें पता करना हो तो ये वाली लाइन होगी आपकी, जब दोनों ऐड होंगे, जब दोनों धन में खुलेंगे तो आएगा 2x माइनस थ्री, जब दोनों निगेटिव होंगे तो आएगा 3 माइनस 2x, और जब ये चेंज होगा कॉन्स्टेंट आएगा तो y इक्वल टू 1,
तो यहाँ से हम सारी चीज़ें डील कर सकते हैं। इसी तरह अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि दो वाला ग्राफ हम इजीली बना लेंगे, और तीसरे को हम y1 y2 अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी तरह अरेंज कर सकते हैं। तो इसको हम इधर ले आए, अब हम ये y1 मानेंगे और ये y2, और ये देख लेंगे y1 y2 से बड़ा कितने x पर है, वही सॉल्यूशन होगा हमारा। इसी तरह आप y1 y2 किसी भी तरह अपनी सुविधा के हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं पहला वाला ग्राफ तो आसानी से बना लूंगा y1 का, ये भी बनाया है तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ इसे, ये 1 होगा और ये 2 होगा। अब ये बनाना है 7 माइनस इतना, तो x माइनस 3 का मॉड पहले हम बनाएंगे, तो 3 यहाँ कहीं होगा, x माइनस 3 का मॉड ये होगा माइनस x माइनस 3 इस तरह होगा ये। अब हमें 7 यूनिट इसे अपवर्ड शिफ्ट करना है, तो 7 यूनिट अपवर्ड जब शिफ्ट करना है तो हमें 3 पे ये देखना होगा इसकी वैल्यू कितनी है, 3 पर ये वैल्यू कितनी देगा, यहाँ 3 रखेंगे तो ये आएगा 3 और 7 यहाँ ऊपर जाएगा ऐसे इधर। अब हमें इसका बनाना है, तो हमें ये पता करना है कि y2 x एक्सेस को कहाँ कहाँ कट करेगा, तो इसके लिए इसे 0 कर देते हैं, तो x माइनस 3 का मॉड बराबर 7, तो एक आएगा 10 और एक आएगा आपका माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 और 10, तो ये आपका बनेगा, ये हो गया आपका, और यहाँ मान लेंगे 7, अब 10 वाला मामला ये होगा, ठीक है, ये इसके ठीक ऊपर होगा। तो हमें क्या देखना था कि ये बड़ा हो, y1 बड़ा हो, तो y1 कहाँ कहाँ बड़ा होगा, देखिए y1 बड़ा हो इससे 7 वाले से, तो y1 देखिए इधर बड़ा है और y1 इधर बड़ा है, तो बस यही सॉल्यूशन हो जाएंगे। हमें ये पॉइंट पता करना होगा x और ये पॉइंट का x, फिर दोनों को हम इनको पता करने के बाद फिर हम इनके पॉइंट ऑफ लिख देंगे, तो आंसर आएगा माइनस, अभी हम मान लेते हैं कि ये a है और ये b है, अभी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखा देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस प्लस a, ए की वैल्यू नेगेटिव होगी और b टू इन्फिनिटी, तो ये पॉइंट आसानी से आप निकाल सकते हैं ये ग्राफ से, और ये पॉइंट पाने के बाद हम सॉल्यूशन को लिख देंगे। तो इसमें बस थोड़ा सा ये है कि ग्राफ वाली अप्रोच आपको ढंग से सीखनी होगी, और उसके बाद आप किसी भी प्रकार से y1 y2 बना के आसानी से फिर क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। और लेते हैं एक क्वेश्चन, इसमें आपको डोमेन वगैरह भी कुछ नहीं देखना होगा, x प्लस 18 लेस देन 2 माइनस x, ये तो आप x प्लस 18 को y1 और इसको y2, तो अंडर रूट एक्स का ग्राफ आप जानते हैं, अंडर रूट एक्स ये होता है x प्लस 18 ही कहाँ जीरो होगा, माइनस 18 पे, तो ये आपका जीरो पे कितना देगा, रूट 18, तो इस तरह होगा ये रूट 18 है, 0, अंडर रूट 18, और 2 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स ये होता है 2 माइनस एक्स, ये वैल्यू 2 से बड़ी है रूट 18, तो 2 माइनस एक्स आपका ऐसे होगा। अब हमें क्या देखना है कि 2 माइनस एक्स बड़ा हो इससे या ये छोटा हो, तो ये कहाँ कहाँ छोटा है, इधर ये छोटा है, बस इतने एक्स हमें सॉल्यूशन में सिर्फ लिखने होंगे, इनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका आएगा, ये पॉइंट निकाल लेते हैं, ये तो हमें पता है, ये है आपका माइनस 18, ठीक है, और ये पॉइंट और निकालना होगा, तो हम x प्लस 18 अंडर रूट x प्लस 18 बराबर करा देंगे 2 माइनस x, और स्क्वायर कर देंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये x माइनस 2 आएगा, आप सॉल्व करके देख लेंगे, तो जो x आएंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 18 टू माइनस 2, और दोनों पे ओपन रहेगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का। तो आपकी डोमेन वगैरह सब कुछ यहीं से बैलेंस हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ उदाहरण और लेते हैं, इसी तरह आप इसको ग्राफ में अच्छी पकड़ बना के इस चीज़ को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ग्राफ में मेहनत करनी होगी, और एक बार आप इस पर आ जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी आसानी रहेगी।
तो अब हम जेई की पुराने सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए इनमें भी यूज होगा, तो चलिए इसमें क्या पूछा है। लेट ये इक्वल ग्रेटर देन जीरो है और ये क्वाड्रेटिक ये दी है, कह रहे हैं एक्स लाई, इन दोनों का हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। एक्स कहाँ लाई करेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो पहले हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 3 sin x - 2 ≥ 0, तो इसके फैक्टर कर लेंगे 2 sin² x, और ये आएगा आपका 4 sin x - sin x - 2। 2 sin x कॉमन आएगा, तो sin x + 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो sin x + 2 ≥ 0। अब ये आया sin x + 2 और 2 sin x - 1 ≥ 0। अब इसका तो कोई मतलब नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि प्लस टू है यहाँ, बस हमें ये देखना है ये कहाँ पॉजिटिव है, यानी यहाँ से हमें मिला sin x ≥ 1/2, पहले वाले से हमें ये मिला, ठीक है। अब दूसरे पे आइए, दोनों का कॉमन ले लेंगे फिर, तो x² - x - 2 ≤ 0, इसके भी फैक्टर करिए, तो x कॉमन लेंगे x - 2 और 1 कॉमन लेंगे तो x - 2, तो x के दो वैल्यू मिलेंगी -1 और 2, तो ये रीजन आएगा इसमें। अब हमें दोनों का कॉमन निकालना है, तो sin x ≥ 2 का और -1 से 2 का, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हमें लिखना होगा। तो पहले हम sin x का ग्राफ बना लेते हैं और 1 से 2 में ही हमें देखना है, एक लूप से ही हमारा काम चल जाएगा। ये हो गया आपका sin x, पाई होगा ये -पाई होगा, और हाफ वाला y2 = ½ ये होगा, तो sin x बड़ा हो हाफ से, तो sin x हाफ से बड़ा यहाँ, और ये पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका 30 और ये होगा आपका 150, यानी 5π/6। इससे जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो ये है, और -1 से 2 भी यहीं देखना है हमें, तो इसी के साथ कॉमन लेना है, -π ये है तो -1 आपका यहाँ कहीं होगा, इधर होगा -1, और 2 कहाँ होगा, ये 5π/6 और 2 में कंपेयर करना होगा हमें, ये तो 3.1 है और 5π/6 है आपका लगभग 2.5 के आसपास, तो 2 आपका और पहले ही होगा इधर, ये 2 होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों में है वो है आपका ये 5π/6 से 2 तक, ये वाला कॉमन है ये, और 5π/6 से 2 वाला ये दिया है। तो इस तरह आप चीजें कर सकते हैं। ये स्टेप वाला है, तो स्टेप एक्स का स्क्वायर प्लस 2, इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, स्टेप एक्स प्लस ये 4 हो जाएगा और -7 = 0। देखिए कि ये प्रॉपर्टी होती है, एक्स प्लस एन का स्टेप इक्वल टू होता है स्टेप एक्स प्लस एन, तो 2 को हमने बाहर किया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम फैक्टर करेंगे, -3 बचेगा यहाँ, तो 3 और 1 से 2 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो 3x², अब इसको हम लिखते हैं 3 स्टेप x - स्टेप x, फैक्टर कर रहे हैं -3, अब स्टेप x कॉमन लीजिए +3 और -1 कॉमन लीजिए स्टेप x +3 = 0, तो 2 मिलेंगे आपको, स्टेप x = 1, तो स्टेप x = -3। यहाँ से अब हमें ये बताना है कि कितने आपके इंटीजर सॉल्यूशन होंगे। एग्जैक्टली टू लेट देन द इक्वेशन दिस हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, 4 इंटीगल सॉल्यूशन और नो इंटीगल सॉल्यूशन, ठीक है। स्टेप x = 1, ये कब तक यहाँ से क्या मिलेगा, जब x आपका 1 से बड़ा रहा होगा और 2 से छोटा रहा होगा, तो ये आपका ये रहा होगा। अब दूसरा वाला ये है, तो ये रहा होगा जब ये -3 से बड़ा या बराबर है और -4 से छोटा, -4 से -3 के बीच, < = -3, ये तो 2 सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। तो दोनों का हमें कॉमन देखना होगा जो एक साथ दोनों को सेटिस्फाई करें। तो 1 से 2 में हमें कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेंगे, अगर इंटीग्रल की बात करें तो 1, और इधर आपको मिलेंगे -3 से छोटे और -4 से बड़े, -3, 2 ही आएंगे यहाँ से, तो ठीक है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस अगर कॉमन निकालेंगे तो, ठीक है। तो बस
यहीं से आप चेक कर सकते हैं रख के। चलिए आगे, ये लॉक की प्रॉब्लम है, इसमें 0 से 2 पाई में कितने सॉल्यूशन होंगे ये बताना, ये इसी साल का है। तो इसको हम इधर ले आते हैं, पहले इसको लिख सकते हैं लॉग हाफ और मॉड साइन एक्स प्लस लॉग बेस हाफ मॉड कॉस एक्स, कॉस एक्स का मॉड इक्वल टू 2। अब हम इसको इन टू में लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स इन टू कॉस एक्स पूरे का मॉड, इकट्ठा मॉड लगा सकते हैं, बेस हाफ इक्वल टू 2। अब हम बेस को उसको लॉग हाफ को इधर ला रहे हैं नीचे, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स का मॉड अपॉन में आएगा लॉग हाफ, या लॉग हाफ का मतलब हुआ माइनस लॉग 2, माइनस लॉग 2 इक्वल टू 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसका लॉग हटाना है पहले, तो ये होगा माइनस 2 लॉग 2। इसको अगर हम माइनस 2 समेत इसको पावर में लगा दें तो ये हो जाएगा लॉग 2 की पावर माइनस 2 यानी 1/4। ये तो साइन एक्स कॉस एक्स का मॉड इक्वल टू आया 1/4। अब हमें यहाँ से ग्राफ से इसकी सॉल्यूशन चेक करने है, अभी तक हमने लॉग हटाया है सिर्फ, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले बोथ साइड, या एक 2 यहाँ से आके यहाँ ले आते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का मॉड इक्वल टू हाफ। अब ये साइन 2x का मॉड हो जाएगा और इक्वल टू कितना है हाफ। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है और हाफ का, और फिर हमें ये देखना है कि 0 से 2 पाई के बीच में कितने पॉइंट पे कट करेगा, तो यहाँ से इजीली फिर चेक हो जाएगा। तो देखिए पहले हमें साइन x सीखना है, साइन x से साइन 2x कैसे बनेगा ये सीखना है, फिर मॉड लगाएंगे। तो पहले तो आप साइन x ही देख लीजिए, साइन x का ये लूप बनते हैं, इनको तो आप बिल्कुल क्लियर रखें, पाई 2 पाई इस तरह बनता है, हमें 2 पाई तक ही देखना है, तो 2 पाई के आगे ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, 0 से 2 पाई तक इनफैक्ट हमें देखना है, इतना चाहिए हमें सिर्फ, ठीक है। अब हमें ये सीखना है कि साइन एक्स से साइन ए एक्स का बनाना हो, अब हमें बनाना है मान लीजिए साइन ए एक्स, यहाँ ए का मान 2 है, तो सीधे सीधे हम यही ग्राफ बना देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, साइन ए एक्स का बनाना है तो हम साइन एक्स का ही बना देंगे, लेकिन जो एक्स हैं उनमें ए का भाग हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा पाई बटे ए, ये हो जाएगा 2 पाई बटे ए, यानी ये ग्राफ हो गया साइन ए एक्स का, क्योंकि वैल्यू उसी तरह मिलेंगी, एक्स चेंज होंगे, तो ये आप हमेशा कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए साइन 3x बनाना है, तो पहले आप साइन एक्स ही बना लेंगे, फिर 3 से भाग दे देंगे एक्स में, ये साइन एक्स होता है, अभी मैं 2 ही लूप बना रहा हूँ, ये होता है, और ये पाई होता था पहले 0, ये 2 पाई। अब हमें साइन 3x इसी में बनाना है, तो बस 3 से भाग दे देंगे सारे, 0 में 3 से भाग होगा, 0 ही रहेगा, ये आपका साइन 3x का हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखें। इसी तरह अब हमें साइन 2x बनाना है, तो 0 से 2 पाई तक ही हम बनाते हैं, तो यहाँ हमें 4 पाई तक लेना होगा, क्योंकि 2 का भाग होगा वहाँ, 0 से 2 पाई में ऑब्जर्व करना है इसलिए, तो ये पाई होगा अभी, ये 2 पाई, ये 3 पाई, आगे 4 पाई। अब साइन 2x का बनाना है, तो 2 का भाग हो जाएगा यहाँ 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 और उधर भी, तो ये साइन 2x का जो बनेगा फाइनल, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आपका पाई बाई 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया, भाग देने के बाद ये 2 पाई हो गया, ये हो गया आपका साइन 2x का। अब हमें इसमें मॉड लगाना, मॉड लगाने के बाद हाफ का ग्राफ खींचेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिन लेंगे, तो फाइनल आपका बनेगा साइन 2x का मॉड। तो साइन 2x ये है, मॉड का लगाने का तरीका होता है कि जो नीचे वाला पार्ट है उसकी इमेज आ जाएगी एक्स एक्सिस के बाद और वो मिटा दिया जाएगा, तो फाइनल आपका बनेगा ये आएगा, ये इमेज आ गई, ये जो कहते हैं रहेगा और ये इमेज आ गई, ये 2 पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और जब आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इजीली आप ड्रॉ कर लेंगे नहीं,
तो ये 0 से 2 पाई तक हमने बना लिया साइन 2x का ग्राफ, साइन 2x का मॉड। अब हाफ वाला जो y2 इक्वल टू हाफ था बटे में, वो हाफ वाला इस तरह आ जाएगा। अब हमें ये गिनना है कि कितनी जगह ये कट करेगा 2 पाई तक। तो 2 पाई तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 0 से 2 पाई के बीच में इसके 8 सॉल्यूशन होंगे। तो ये ध्यान देना, अभी ये थोड़ा सा मेरा उस तरह बन गया है, और बड़ा बनाएंगे तो और आपको इजीली दिखेगा। देखिए इधर बना देता हूँ दोबारा। इस तरह ये 2 पाई, 3 पाई बाई 2, पाई पाई बाई 2, और हाफ आपकी लाइन जो होगी वो ये होगी, क्योंकि ऊपर तो एक है। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 0 से इन 0 टू 2 पाई इतने x में, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई में इसके 8 सॉल्यूशन होंगे। तो बहुत इजीली फिर आप कर लेंगे, बस आपको ग्राफ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इस अप्रोच में आपको टाइम लगेगा और थोड़ा सा टफ भी लगेगी, कोशिश करें तो धीरे धीरे आएगा। चलिए, सेट ऑफ ऑल एक्स इन इंटरवल 0 टू पाई 4 विद दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स इसके फैक्टर कर लेते हैं, माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स, 3 को 2 और 1 लिख लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 साइन एक्स कॉमन है तो मिलेगा साइन एक्स माइनस 1, साइन एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन है तो साइन एक्स माइनस 1। तो यहाँ से दो चीज़ें मिली, साइन एक्स माइनस 1 और एक मिला 2 साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 से ज़्यादा तो कभी नहीं होगा, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, बस एक पॉइंट हमें कंसिडर करना होगा x इक्वल टू 1 वाला, और ये देखना है। तो सभी x का जो रेंज है वो हमें लिखना है, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 तो इससे कंसिडर हो जाएगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव हमेशा रहेगा, बस सिर्फ बराबर वाले केस में हमें पाई बाई 2 लेना होगा। पाई बाई 2 अगर इसमें शामिल हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होगा। ये साइन एक्स माइनस 1 है जो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों को हम हल कर लें, साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, या कहीं साइन एक्स ग्रेटर देन 1, तो बराबर वाला ही केस आएगा, 1 से बड़ा नहीं होगा ये कभी। तो अब हमें इसमें देखना है कि ये कहाँ बड़ा होगा, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच देखना है, तो एक लूप ही बना लेंगे, ये हो गया 0 और ये पाई, और हाफ वाली लाइन ये होगी। तो हमें ये देखना है ग्रेटर देन 0, यानी साइन एक्स बड़ा हो 1/2 से, तो साइन एक्स 1/2 से बड़ा ये है, ये है आपका 30 अंश और ये है आपका 150 अंश, उसमें ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है। इसमें कितने हल होंगे 0 से 2 पाई के बीच, तो ये भी जाएगी पुरानी प्रॉब्लम है, तो इसे साइन कॉस में बदल लें। इसको लिखेंगे 1/cos x = 2cos x, कॉस एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2cos² x। अब साइन में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बस ये ध्यान रखना कि कॉस एक्स इक्वल टू 0 कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपॉन में है यहाँ। अब इसको लिखेंगे 1 - sin² x। अब इसको ट्रांसफर करिए, अब इसके फैक्टर होंगे, कॉमन आएगा 2 साइन एक्स कॉमन, तो ये बचेगा साइन एक्स प्लस 1, और माइनस 1 कॉमन तो साइन एक्स प्लस 1। तो यहाँ से मिला साइन एक्स बराबर हाफ और साइन एक्स बराबर माइनस 1। 0 से 2 पाई में हमें देखना है, ये 2 पाई है, ये 0, हाफ वाला कितने देगा, साइन एक्स इक्वल टू हाफ से हमें ये मिलेंगे 2 सॉल्यूशन, ठीक है। और माइनस 1 साइन एक्स कहाँ होगा, ये एक की वैल्यू देगा ये, और ये होगा आपका 3π/2। तो एक्स की वैल्यू आएंगी आपकी 5/6, 5π/6 और 3π/2, तो 3 सॉल्यूशंस होंगे।
इसमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको भी कर सकते हैं। वैसे ये डोमेन दी है कि x 1/2 से बड़ा है, दो बार स्क्वायर करके कर सकते हैं, और सीधे स्क्वायर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए सीधा हम बोथ साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, x 1/2 से बड़ा होगा ये डोमेन है, तो इसका होल स्क्वायर आएगा आपका 2x + 1 + 2x - 1 और -2, और ये अंदर आएगा 4x² - 1 = 1। बोथ साइड का हमने स्क्वायर किया है, अब ये आपका बचा 4x - 2 √4x² - 1 = 1। अब हमें फिर से स्क्वायर करना होगा और x निकालना होगा, यहाँ बात करेंगे और x निकाल के फिर इधर रख देंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी। इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, जो इसके मूल हैं उनका गुणनफल पूछा है, यानी इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर उनका मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है। तो यहाँ पर वैसे तो दो केस हैं, अगर हम रूट की बात करें तो देखिए 9x² ग्राफ से अगर देखने की कोशिश करें तो 18 mod x, इसको इस तरह y1 y2 बना लेंगे तो रूट इसके 4 मिलेंगे, क्योंकि 9x² + 5 कुछ इस तरह आएगा और ये आपको दो दो जगह इस तरह कट करेगा, 4 मूल वाला है। तो यहाँ पे आपको केस बना के एक बार आपको x पॉजिटिव लेना है, जब x पॉजिटिव लेंगे तो ये आएगा आपका ये, और यहाँ से जो 2x आएंगे वो दोनों पॉजिटिव ही आएंगे तो दोनों ले लेंगे। इसी तरह x नेगेटिव होगा जब, तब ये आपका आएगा ये, यहाँ से भी 2x आएंगे वो दोनों x यहाँ से नेगेटिव आएंगे तो वो दोनों ले लेंगे, फिर सबका गुणा हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से कर सकते हैं, चलिए कैलकुलेशन कर दें, 45 और 15 और 3 18। तो देखिए पहले इसकी कैलकुलेशन कर दूँ तो 9x² - 15x - 3x + 5, यहाँ से हमें कॉमन मिला, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए 3x, तो 3x - 1, अब -5 कॉमन ले लीजिए तो 3x - 1, तो x की वैल्यू आई 1/3 और 5/3, ठीक है, ये दो वैल्यू आ गए और इनका गुणनफल हम करें तो 5/9 हो गया है। अब इनके दो और निकलेंगे, ये इसमें दोनों नेगेटिव पॉजिटिव वाले हैं तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे, देखिए इस तरह, तो इसमें भी आप उसी तरह कॉमन लेंगे तो 25/81, इसके माइनस में आएंगे यही -5/9 और -1/3 और -5/3, तो जब गुणा होगा तो प्लस, और फिर इसी का गुणा जब इसमें होगा तो 25/81, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। इसी तरह ये भी है, इसमें आपको ये बताना है कि देयर एग्जिस्ट थीटा इन बिटवीन 0 to 2π, बहन इक्वेशन दिस, तो कह रहा है कि इसमें कोई थीटा 0 से 2π के बीच होगा कि नहीं, तो चलिए इसको भी आप पहले फैक्टर करेंगे इसके, तो ये आपका होल स्क्वायर है, ये आपका होल स्क्वायर है इसका, नो, तो चलिए इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को टी मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा x² - 2x - 1। अब हम धराचार्य जी का सूत्र लगाएंगे, -b + -b² - 4ac/2a, तो ये आपका आएगा 2 + -2√2/2, तो ये बचा 1 + √2 और ये आएगा 1 - √2, दो वैल्यू है। तो x हमने माना है साइन स्क्वायर थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा की एक वैल्यू होगी 1 + √2, तो ये 1 से बड़ी है, और एक वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा की 1 - √2, और ये नेगेटिव है तो ये भी इक्वल नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं, तो इसकी कोई भी थीटा नहीं होगी, तो ये आपका लिखा है कि इन बिटवीन, तो ये फाल्स हो जाएगा, यानी कोई भी थीटा यहाँ से हमें नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। इसको भी आप कर सकते हैं,
इसमें 0 से 2 पाई के बीच में कौन सा सेटिस्फाई होगा रिलेशन, ये बताना है। तो इसको भी ग्राफ से करें, पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, 2 4 4 1 5। तो देखिए कॉमन लीजिए 2 sin थीटा और यहाँ -1 कॉमन लीजिए ग्रेटर देन 0, तो 2 sin थीटा -1 और ये आया sin थीटा -2 ग्रेटर देन 0। तो ये जो होगा हमेशा, ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो हम ऐसा करते हैं, माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 sin थीटा -1 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ये, और इन इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, माइनस से हमने गुणा किया बोथ साइड। अब हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, यानी ये साइन चेंज नहीं देगा। हमें सिर्फ इसको देखना है कि ये कहाँ नेगेटिव है। ठीक है, यानी सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे हम कि ये लेस देन 0 कहाँ है। ठीक है, तो साइन थीटा लेस देन 1/2 ये हमें सॉल्व करना है, और ये इंटरवल दिए हैं 0 से 2 पाई के बीच में, देखना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। अभी तक हमने क्या किया, फैक्टर करे हैं, और इसमें हमने माइनस से गुणा इसलिए किया है क्योंकि 2 - sin थीटा है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, तब भी ये पॉजिटिव रहेगा। तो हमने इसका यूज कर लिया यहाँ पर, क्योंकि ये 2 नहीं होगा साइन थीटा का भी, तो इस तरह ये भी ध्यान देना है। बाकी अब पूरा सवाल इसमें हो गया कि साइन थीटा लेस देन हाफ कहाँ। अब हम साइन थीटा बनाते हैं 0 से 2 पाई तक, फिर हाफ वाला बनाएंगे। ये हो गया 0 से 2 पाई आपका साइन थीटा, और हाफ वाला y2 = हाफ ये होगा। अब हमें देखना है कि साइन थीटा हाफ से छोटा हो, तो साइन थीटा हाफ से छोटा हो तो ये छोटा है इधर और ये है, तो ये पूरा यहाँ पर छोटा ही रहेगा। तो वैसे तो हमारे सॉल्यूशन में लेंगे थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/6 यूनियन, ये पॉइंट होगा 5π/6, 5π/6 से 2π ओपन रहेगा सम में, यहाँ भी ओपन रहेगा, तो 5π/6 से 2π। बस ये देख लेते हैं 0 से π/6, 5π/6 से 2π पहले वाले में ही है, तो बड़े इजीली आप चीज़ों को देख सकते हैं। बस ये ध्यान देना है अप्रोच आपको, ये है y2 = हाफ और ये था आपका साइन थीटा का ग्राफ। हमें क्या देखना था कि साइन थीटा लेस देन 1/2 हो, तो साइन थीटा 1/2 से छोटा ये है, तो हमें ये x लिखने होते हैं, तो x आपकी ये रहेंगे। तो इस तरह इसको हम सॉल्व करने जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हम काट सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा x = 1, लेकिन x = 1 इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि जो आपको गिवन था पहले वो आपको ये गिवन था, क्योंकि ये आपने काट दिया वो ठीक है x = 1 आया, लेकिन जो समीकरण गिवन होती है उसी के हिसाब से हमें चेक करना होता है। तो 1 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 1 इसकी डोमेन में नहीं है, 1 ही हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं होगी, ये ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है b इज ग्रेटर देन a देन द इक्वेशन दिस हैज, तो इसमें a और b को हम मान लेते हैं, लेट b इक्वल टू मान लेते हैं 3 और a इक्वल टू 2। ठीक है, b a से बड़ा है, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी x - 2 x - 3 = 1। अब हम इसका पॉलिनोमियल के हिसाब से ग्राफ बना लेते हैं इसका पूरे का, तो 3 और 2 पे कट करेगा, क्वाड्रेटिक है ये, पैराबोला होगा ऐसे, और 0 पे वैल्यू देगा x = 0 पे देगा 6, और y2 = 1 जो लाइन होगी ये वाली वो ये होगी। तो ये कितने रूट मिल रहे हैं इसके, 2, एक ये और एक ये, और अगर देखा जाए तो एक रूट इसका 3 से बड़ा है और एक रूट 2 से छोटा है, और उसके हिसाब से हमने 2 कैसे माना है a को और 3 क्या है b, तो हम ये कह सकते हैं कि एक रूट b से बड़ा है और एक रूट b a से छोटा है, और यानी इसको कहेंगे 1√(-∞ to a) ठीक है, अदर इज b → ∞, तो यही वाली बात सही हो जाएगी।
इसको भी ग्राफ से कर सकते हैं। इसमें सम ऑफ रूट्स पूछा है इक्वेशन का, तो इसको हम अपने हिसाब से अगर चेंज करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसको हमने बदल लिया और ये सॉरी वाई वन वाई टू अपने हिसाब से बनाएं तो 4 - x² और ये हो जाएगा 2x - 3, यानी मैं इन दोनों को राइट में ले गया हूँ, ये आ गया। अब इसका ग्राफ बना लें अगर, तो देखिए -4 - x² आपका ऐसे होगा और ये पॉइंट होगा आपका 2 और ये होगा -2। ये y1 बन गया 4 - x², 2x - 3, तो ये 3y2 पे इसका 6 होगा और x = 0 पे y3 होगा, ऐसे होगा। अब हमें ये देखने हैं कि रूट कितने होंगे, तो एक रूट इसका ये होगा और एक रूट इसका ये होगा। तो ये कन्फर्म है कि जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक रूट नेगेटिव है हमें साफ साफ दिख रहा है, एक पॉजिटिव आएगा। तो जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो उनका गुणनफल नेगेटिव होगा, तो इन दो में से कोई एक होगा पहला, और ए और सी तो नहीं हो सकता। अब इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, तो हम इसे सीधे इक्वेट करा देंगे और स्क्वायर कर देंगे, सीधे इक्वेट करा के एक बार धन एक बार ऋण। चलिए 2x - 3 ये धन में तोड़ा है, ये आएगा x² + 2x - 7, ये मिला। और दूसरा वाला मिलेगा जब ये माइनस होगा, आएगा x² - 2x - 1, एक ये रहेगा। अब इनके वैल्यू निकाल के इनका गुणा करना है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ग्राफ का बस ध्यान देंगे। इसमें इन दोनों की ग्राफ बना लेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट दिख जाएंगे, तो 2 sin x का तो इजीली बन जाएगा, और ये आपका पैराबोला है, तो इसको बनाने के लिए हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे पहले। तो 5 कॉमन लेंगे और x के कोफिशिएंट का हाफ इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1/25 ये जोड़ेंगे और यही घटाएंगे, इतना आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा इधर 15/25 लिख सकते हैं इसे, और 1/25 तो ये 14/25 और 5 का अंदर गुणा होगा। और ये था आपका 14/25, तो 14/5 ये 5 कट जाएगा यहाँ, तो ये बना आपका पैराबोला। इसको हम और शिफ्ट करें तो ये होगा आपका 5 × x + 1/5 का होल स्क्वायर = y - 14/5। अब हम 1/5 को इधर ले आएंगे, तो 1/5 और y - 14/5, तो अब ये हो गया x² = 4ay रूट का, और वर्टेक्स इसका होगा -1/5 और 14/5 यहाँ पे, और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड वाला है x² / 4ay ये वाला है ऐसे। और 2 sin x, अब हमें ये वैल्यू देखनी होगी y कितना है यहाँ पे, और 2 sin x वाला अगर आप इसे कट करेगा कि नहीं, ये हम आसानी से चेक कर सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी देखें तो डिफ्रेंशिएट करें अगर हम, तो मिनिमम वैल्यू इसकी हमें मिलेगी देखिए dy/dx से 10x + 2, इसे 0 करेंगे तो x = -1/5 पे मिनिमम वैल्यू देगा, वैल्यू कितनी होगी x = -1/5 पे इसकी वैल्यू होगी 14/5। तो 14/5 आपका देखा जाए तो ये 2 से बड़ा है, और ये पॉइंट कितना होगा इसके लिए हम x = 0 रख देंगे तो y आ जाएगा, तो x = 0 पर y आएगा 3, ये 0 3 से जाएगा, और 2 sin x जो आपका बनेगा वो यहाँ कट ही नहीं कर पाएगा। तो इसके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे 0, ये कहीं कट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 sin x की मैक्सिमम वैल्यू 2 है और इसकी मिनिमम वैल्यू है। हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि 2 sin x जो है ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम 2 है, ये 2 से बड़ा नहीं है और ये आपका 14/5 से छोटा नहीं है, तो ये कहीं कट नहीं कर पाएंगे। ये भी ग्राफ से कर सकते हैं आप, x² + x और इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये अब ये y1 और ये y2 मान लेंगे, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे 0 -1,
पैराबोला है, ये इस तरह बनेगा आपका 0 माइनस 1 और x प्लस 2 का मॉड, तो इसका माइनस 2 पर शीर्ष होगा और 2 से y एक्सिस पे जाएगा ये ऐसे, और ये इसको आगे कहीं कट करेगा। अब हमें देखना है कि ये बड़ा हो मॉड से, तो ये मॉड से बड़ा इधर रहेगा हर जगह, यहाँ बड़ा रहेगा मॉड से और यहाँ बड़ा रहेगा, तो जो आंसर आएगा वो माइनस इन्फिनिटी टू, एक पॉइंट आएगा माइनस रूट टू क्योंकि ये 2 से छोटा होगा, ये तो दिख रहा है, और दूसरा आएगा आपका रूट टू से इन्फिनिटी तक, ठीक है, 1 तो नहीं होगा ये, तो आपका संभावना जो है वो ये वाला बी, और आप चेक करके देख भी सकते हैं, बस ग्राफ पर ध्यान दें, ग्राफ से आप आसानी से चीजें। इसमें हमें ए ओ बी को पहले फाइंड कर लेना है, ए ओ बी रियल है फिर इनकी वैल्यू चेक कर लेंगे, तो मॉड एक्स लेस देन 2, तो इससे तो हमें एक्स मिलेगा माइनस 2 से 2, और ये वाला है आपका, इसको केस बना के भी कर सकते हैं, ऐसे ये ग्राफ होगा इसका और ये 2 होगा, 3 यहाँ होगा, ये 3 से बड़ा हो, यहाँ बड़ा है और यहाँ बड़ा है, इसमें इक्वालिटी भी है, तो ये पॉइंट हमें निकालने होंगे, तो x माइनस 2 बराबर 3 कर दीजिए, तो एक आएगा 5, एक आएगा माइनस 1, तो इसमें जो हल आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये, तो दोनों को मैं लिख देता हूँ, ये एक ही सॉल्यूशन है आपकी, नंबर लाइन तो ही बना देता हूँ, एक का सॉल्यूशन है ये और दूसरे वाले का सॉल्यूशन माइनस 2 से 2 वाले का यही बना देते हैं, माइनस 2 यहाँ होगा और 2 यहाँ होगा, तो जो कॉमन है वो पार्ट है आपका कॉमन वाला माइनस 2 से माइनस 1, बस ये पार्ट कॉमन है, तो दोनों का कॉमन पार्ट ये रहा। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इंटरसेक्शन बी माइनस 2 से माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और बी माइनस ए, बी में से ए घटाएंगे, ए यूनियन बी कह रहा ये आएगा, तो 2 से 5 नहीं, ये 2 से 5 वाला छूट जाएगा, बस यही वाला सही है। चलिए अब नेक्स्ट टर्न पे बाकी देखेंगे, थैंक यू।